हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार कश्यप और आप देख रहे हैं यो ब्रो ट्रेवल्स में आपका स्वागत है। इस समय मैं खड़ा हूं NH 2 पर, नेशनल हाईवे 2 पर, और जो साइड आप देख रहे हैं वो दिल्ली की साइड जाती हुई है। अगर आप दिल्ली की साइड से आ रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा KD हॉस्पिटल के नेक्स्ट, जो ईश्वर चंद विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट के लिए मथुरा में निकलते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्या अगर आप लोग दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको यहाँ तक आने में कोई भी या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस समय हम चल रहे हैं ईश्वर चंद विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मेन गेट की साइड, और आप देखेंगे कि इस समय आपको ये ईश्वर चंद विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मेन गेट नज़र आ रहा है। यहाँ पर सवेरे का एक एग्ज़ाम हो चुका है जो क्लरिकल पोस्ट के लिए था, और अब ये सेकंड शिफ्ट के लिए बच्चे पहुँचे हुए हैं जो यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। आप देख रहे होंगे और ये होर्डिंग्स लगी हुई है काफ़ी बड़ी। और हम दोबारा से बाउंड्री आपको हम दिखा रहे हैं बाहर से, क्योंकि इसमें अंदर जाना अलाउड नहीं है ऐसे। और आप देख रहे हैं ईश्वर चंद विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप दिल्ली NH 2 पर जैसे ही चलेंगे सीधे बिल्कुल स्ट्रेट आपको आना है, और दिल्ली से जैसे ही आपको KD हॉस्पिटल नज़र आए नेक्स्ट उसके अगले ही टाइम पर ये इंस्टीट्यूट आ जाता है। दिल्ली से आते टाइम ये आपके राइट हैंड पे पड़ेगा, और आप इजीली यहाँ दिल्ली से। हाँ, इस समय मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि इस समय अगर आप दिल्ली से आते हैं तो इस समय रोड की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, और मैं खुद इस रूट से आया था। इस रूट से आने के बाद मुझे लगभग 1.5 घंटे का समय एक्स्ट्रा लगा। बाय द वे, मैं तो कल रात को ही आ गया था। अगर इस कंडीशन में मुझे सवेरे आना पड़ता और 1.5 घंटा मैं लेट हो जाता हूँ तो नेचुरली हम पेपर नहीं दिला सकते थे, अपने बच्चे का एग्ज़ाम नहीं करा सकते थे। अगर आपको दिल्ली से आना है और इस रास्ते से, मेरे ख्याल से अभी मुझे लगता है कि 1 साल तो मामूली बात है कि जितने फ्लाईओवर ये लोग बना रहे हैं उतने फ्लाईओवर बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगने वाला है, और जितना टाइम लगने वाला है इस बीच में अगर आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी सेंटर इधर पड़ता है तो जैसा आपको कन्वीनियंट हो वैसा ही आप करें, मगर एक्सप्रेस वे बेटर सोल्यूशन होगा। एक्सप्रेस वे से अगर आप आते हैं तो लगभग आपको 30 से 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, जो आपको वृंदावन से दिल्ली की तरफ वापस आना होता है। मगर बेटर है अगर आप एक्सप्रेसवे से अगर आप आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे से या 35 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, और आप इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा NH 2 का रोड का रूटीन, आप ये देख पाएंगे, इसके आसपास का पहचान पाएंगे। ये जो है भीम पार्क अकबरपुर पड़ता, अकबरपुर में है ये एक्चुअल टेक्नोलॉजी ईश्वर चंद विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और अभी आप ये देख रहे हैं ये NH 2 है, जिस साइड अभी आप देख रहे हैं ये मथुरा की साइड रास्ता जा रहा है, और अभी आप देखेंगे यहाँ से
काफ़ी हैवी व्हीकल्स इस रूट पे चलते हैं और ये सामने इसके काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है। और अगर आप यहाँ आते हैं आने के लिए, यहाँ पर एक चौधरी ढाबा भी है जिस पे आप थोड़ा सा अपना नाश्ता वगैरह, कोल्ड ड्रिंक या चाय वगैरह ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊंगा, जैसा कि मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ के बारे में, यहाँ की लोकेशन के बारे में मैं आपके साथ में बातचीत करूँगा और शेयर करूँगा। तो आप देख रहे होंगे, अब ये सामने की साइड अगर आप देखते हैं तो ये रास्ता दिल्ली से आ रहा है, आप इजीली इस रास्ते पर पहुंच सकते हैं। अभी थोड़ा सा आगे जाकर मैं आपको केडी हॉस्पिटल भी दिखाऊंगा, जो आपके पहुंचने में बहुत ज़्यादा सहायक होगा और आपको आसानी से इस इंस्टीट्यूट तक पहुंचने में बहुत मदद करेगा। आप अगर इस रूट से दिल्ली से आते हैं तो कम से कम 2 घंटे का फासला ज़रूर अपना बना के रखें कि अगर हम लेट भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत ना हो। और ये वैसे भी पीक टाइम में ज़्यादा ऐसा है, और नॉर्मल टाइम में भी अगर आप आ रहे हैं तब भी आप इस कंडीशन को लेके चलें कि नॉर्मल टाइम में भी 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा आप मान के चलिए कि इतना टाइम आपको लग ही जाएगा। और इस समय मैं आपको ईश्वर चंद विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। सो आई होप कि आपको यहाँ तक पहुँचने में ये बहुत सहयोग करेगा और आपके बहुत काम आएगा। धन्यवाद। ये गार्ड्स वगैरह बैठे हुए हैं यहाँ पर। हाँ जी सेठ जी, वीडियो बना रहे हैं? हाँ वीडियो बना रहे हैं सर। अच्छा, ये हम आपके इंस्टीट्यूट का जो है ना, इसे यूट्यूब पे डालेंगे, दिखाएंगे लोगों को, जैसे हमें समस्या आई, लोगों को समस्या ना हो, वो देख के हम पहुँच सकें ईजीली उन्हें रास्ते। हाँ तो दोस्तों, इस टाइम हम अपनी गाड़ी से दिल्ली की ओर जाते हुए, और अभी हम बहुत स्लो जा रहे हैं, और यहाँ पे एक बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, तो इससे पहले भी है कुछ शायद लिखा हुआ, हाँ GL बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर इसकी भी किसी को रिक्वायरमेंट हो, ज़रूरत हो, हालांकि इसके नीचे BTech, BArch, MBA वगैरह लिखा हुआ है, तो ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, ये भी मैंने आपको फ़िलहाल यहाँ दिखा दिया है। और अभी मैं आपको KD हॉस्पिटल भी दिखाता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, अगर आप दिन में आते हैं तब भी आपको ये नज़र आएगा, अगर आप रात में आते हैं तब भी आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से नज़र आएगा, तो आप ये बहुत इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। इससे आगे की जर्नी आप हमारे साथ करेंगे और आपको मैं आगे की जर्नी के लिए यहाँ से दिखाऊँगा।